कानपुर में मंगलवार को डीएम ऑफिस की बिल्डिंग में आग लग गई। बिल्डिंग के छज्जे पर पड़े कचरे में धुआं उठने के बाद अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंचे दमकल विभाग के कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दरअसल जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में एक गली में अधिवक्ताओं के चैम्बर के छज्जे के ऊपर काफी मात्रा में कूड़ा पड़ा था। इसी छज्जे के ऊपर काफी बिजली के तार गुजरे थे। मंगलवार दोपहर अचानक शॉर्ट सर्किट से चिंगारी निकली जो कूड़े के ढेर में जा गई, जिससे आग लग गई। सकरी गली में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। अधिवक्ताओं की सूचना पे कर्नलगंज फायर स्टेशन से पहुंची एक गाड़ी ने 20 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि शॉर्ट सर्किट के चलते कूड़े में आग लगी थी, जिसने बिजली के कई तारों को अपनी चपेट में ले लिया। समय रहते आग पर काबू पाया गया, वरना आग बढ़ते अधिवक्ताओं के चैम्बर तक अगर पहुंच जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।